नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन को लेकर आ रही आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम 6 फरवरी को चक्का जाम करने वाले और ये आंदोलन और ये प्रदर्शन देश व्यापी होने वाला है। तो हम आपको बताएंगे इसी चक्का जाम की लाइव अपडेट कुछ तस्वीरों के साथ, तो बने रहिए एजुकेशन इंडिया में इस वीडियो के लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी किसान आंदोलन से जुड़ी ऐसी ही खबरें और ऐसे ही वीडियोज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां देखने को मिल सके। और साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किसान आंदोलन के इस चक्का जाम को लेकर आ रही आज की बड़ी खबरें। तो आज कई जगहों पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। इसमें शाहजहांपुर बॉर्डर पंजाब के कई इलाके जिसमें मोहाली और अमृतसर शामिल है, ऐसी कई सड़कों पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। इसके साथ ही किसानों का कहना था कि हम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम करेंगे और ऐसे में पुलिस ने भी तैयारियां कर ली है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी खबर ना आए जो कि किसी भी तरह का नुकसान कर रही हो। ऐसे में पुलिस के द्वारा भी कई तैयारियां की गई है और जगह जगह पर पुलिस अभी तैनात भी है। और ऐसे में अगर बात करी जाए कुछ ऐसे स्थानों की जहां पर किसानों द्वारा रणनीति बनाई जा सकती है, ऐसी जगहों पर भी पुलिस मौजूद है ताकि किसान आंदोलन में शांति भंग ना हो जाए और शांतिपूर्ण तरीके से ही किसान आंदोलन चलता रहे। ऐसे में विपक्ष के नेता भी अपनी रोटियां सेकने लगे हैं और किसानों का समर्थन करने लगे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सड़कों पर आए और आज दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धरने में शामिल हो। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में, ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं जनता व देश के लिए भी घातक है, पूर्ण समर्थन। वहीं दिल्ली मेट्रो के लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन के प्रवेश बंद कर दिए गए ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी हानि ना हो जैसा कि पिछली बार हुई थी। वहीं किसानों के चक्का जाम का असर अब नासिक औरंगाबाद हाईवे पर भी दिख रहा है और हाईवे पर अब गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ चक्का जाम करने उतरे प्रदर्शनकारियों को बेंगलुरु में हिरासत में ले लिया गया। तो इस प्रकार से अभी तक की किसानों के चक्का जाम को लेकर बड़ी खबरें थी। वीडियो अगर पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।